हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूँ आज की क्लास की। देखिए, जो जनजातियाँ हैं विश्व की, जो जनजातियाँ हैं, तो मोस्टली अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। तो उन जनजातियों की बात की जाए तो सबसे पहले हमने बात की एस्किमोज की। एस्किमोज के बाद हमने आपको बुशमैन के बारे में बताया। तो आज जो तीसरा हमारा जो वीडियो है, ये मसाई को लेकर अस्तित्व में देखिए, आई और यहाँ जीवन यापन करने की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं तरीके की बनी, तो धीरे धीरे रीढ़ विहीन और फिर रीढ़ वाले जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जुरासिक एज की बात की गई, डायनासोर सरीखे बहुत बड़े बड़े जीव जंतु पैदा हुए और कालांतर में वो भी विलुप्त हो गए। तो पृथ्वी की जो परिस्थितियां हैं, जो अनुकूलन है, वो बदलता रहता है। तो शुरुआत करता हूँ, दुनिया अजीब गरीब है उसी हिसाब से मसाई जनजाति की। देखिए, हाँ मानचित्र मसाई, देखते हैं। पूर्वी अफ्रीका केनिया, तंजानिया, पूर्वी उगांडा के पठारी प्रदेश विक्टोरिया झील के। देखिए, विक्टोरिया झील की अगर बात की जाए तो इक्वेटर लाइन के बिल्कुल बीच में पड़ती है विक्टोरिया झील। और यहां पर है युगांडा, ये है युगांडा और कहता है पूर्वी युगांडा। ये पूर्वी युगांडा में जनजाति रहती है, कीनिया में जनजाति रहती है, तंजानिया में इनका निवास स्थान है। और यहीं पर एक है रिफ्ट वैली, एक घाटी है जो कि 1 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर की चौड़ाई है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि ये सीरिया से चलती है। तो अलग अलग चीजें हैं, ज्योग्राफिकल चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो कुल मिला के ये बहुत विशाल का और बहुत लंबी रिफ्ट वैली है। तो यहां से शुरू होते हुए ये जाके लाल सागर तक ये चलती है। तो इतनी लंबी है, तो बहुत लंबी रिफ्ट घाटी है। उसके आसपास यहाँ कीनिया है, तंजानिया है, यहाँ पर सोमालिया है। सोमालिया में खैर ये नहीं है, तो सोमालिया है, उसके बाद ये कीनिया है, इधर युगांडा है और इधर ये तंजानिया। इसके बीच में विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के आसपास ये मसाई जनजाति रहती है। और जनजातियों का मतलब यही है कि वे जनजातियां जिन्होंने अपने आप को आज के समाज के तरीके से परिवर्तित नहीं कर पाया है, या यूं कहा जाए कि पुरानी रीति रिवाज परंपरा चल रही है उनकी, तो वो भी अभी प्रकृति के पूरी तरीके से हिसाब से चलते हैं। प्रकृति किस प्रकार से क्या कर रही है, तो पूरी तरीके से प्राकृतिक डिपेंड है। जैसे आदि मानव थे वैसे जनजाति हैं। तो अभी बुशमैन की बात की जाए, ये थोड़ा हटके है बुशमैन की बात, बात करते हैं कीनिया की, बात करते हैं मसाई। तो ये मसाई जनजाति की अगर बात की जाए तो ये इनका जो विस्तार है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। आपको पता है इक्वेटर लाइन जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से 1 डिग्री अगर ऊपर थोड़ा कर दिया जाए तो ये उत्तरी अक्षांश। तो 0 डिग्री से मान लो 0 डिग्री पे ही थोड़ा पीछे उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री कि बेल्ट में जो भी एरिया आता है वहां पर जनजाति निवास करती है। क्लाइमेट की बात की जाए, पूर्वी अफ्रीका के तटीय प्रदेश, पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका है इधर का, ये जोन पूर्वी अफ्रीका कहा जाता है, इधर का पूर्वी अफ्रीका, और ये पश्चिमी अफ्रीका और ये उत्तरी अफ्रीका। यहाँ पर एटलस पर्वत है और यहाँ पर सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, इसका सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया बोत्सवाना हो गया, अंगोला हो गया, नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मापुतो हो गया, मेडागास्कर हो गया। तो इस तरीके से ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की गई। तो पूर्वी अफ्रीका के तटीय प्रदेश तथा पश्चिम में कांगो बेसिन से ये जहां पर थोड़ी ठंडी जोन होती है वहां पर ये लोग रहते हैं। तो जो वर्षा है इस क्षेत्र में बात की है अप्रैल से मई तक, अप्रैल मई यानी 2 महीने ही वर्षा होती है, बाकी महीने सूखा रहता है। तो बाकी महीने सूखा रहता है। वनस्पति की अगर बात की जाए तो लंबी शुष्क ऋतु में घासें उगती हैं, बबूल कीकर कैक्टस खैर ये सब वहां पेड़ पौधे होते हैं। और शारीरिक लक्षण की अगर बात की जाए मसाई की, तो मसाई लोग लंबे लंबे होते हैं, चरहरे होते हैं, हाथ पैर पतले, उंगलियां लंबी होती हैं, ठीक है। और त्वचा इनकी जो है हल्की चॉकलेटी, इनकी जो स्किन है त्वचा है वो हल्की चॉकलेटी होती है, और या तो इनका शरीर ब्राउन होता है, ठीक है, कत्थई और ब्राउन होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, इनका फूड जो है मांस खाते हैं, भेड़ खाते हैं, बकरी खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं। मसाई भी जनजाति 2 प्रकार की होती है, एक खूनी मसाई होती है। तो खूनी मसाई क्या होती है, जानवर को कच्चा ऐसे मतलब मारते हैं और कच्चे खून पी लेते हैं, ऐसे निकाल के खून ही पी लेते हैं। इधर ये
कहना चाहिए कि बहुत ही डेंजर जनजाति है। और इसके पहले जो जनजाति बताई थी बुशमैन, वो भी बहुत ही खतरनाक जनजाति है, लेकिन फिर भी इन जनजातियों ने जैसे भी हैं अपनी लाइफ के साथ जो है स्ट्रगल करना शुरू किया है और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है इनकी। तो फूड की बात की गई, मांस भेड़ बकरी गाय का दूध ये लोग पीते हैं और गाय का दूध पी लेते हैं, लेकिन गाय को मारते नहीं है, गाय को मारते नहीं, अगर गाय खुद से मर जाती है तो उसका भी मांस खा लेते हैं लोग। तो ये इनके बारे में बात हो गई। ज्वार बाजरा मक्का ये योद्धा के अलावा सब लगभग खाते हैं, योद्धा मोटे अनाज नहीं खाते हैं। जंगली जड़ें केला ये औरतें खाती हैं, जंगली जड़ें और केला औरतें खाती हैं। ये पदार्थ इनकी अगर बात की जाए, ये जो है मसाई लोग, मसाई लोग मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन भूमध्य सागरी और निग्रीटो दोनों प्रजातियां मिक्स करके ये मसाई जनजाति बनी है। तो प्रजातियों के लक्षण ऊपर हमने बताए हैं इस तरीके से, और जंगली जड़े और केला, जंगली जड़े और केला ये औरतें खाती हैं। और ये कपड़े की बात की जाए, कपड़े हल्के कपड़े पहनते हैं योद्धा और युवक, हल्के कपड़े पहनते हैं और योद्धा और युवक जो टोपी लगाते हैं उस पर मक्खन, मक्खन से वो टोपी चिकनी कर दी जाती है। कुछ परंपराएं हैं, कुछ उनकी कुछ रहता होगा उनका अपना ट्रेडिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कपड़े ये लोग हल्के पहनते हैं और धनवान लोगों की लड़कियां जो हैं, जब बहुत कोई मतलब धनवान जो मसाई जनजाति की जो धनवान लड़कियां हैं वो लोहे के कड़े पहनती हैं, तार के कड़े पहनती हैं। तो ये पहला पार्ट था, मसाई जनजाति का पहला पार्ट था। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।